हाउ टू बिकम मास्टर इन रियल एस्टेट बिजनेस। रियल एस्टेट बिजनेस में सक्सेस कैसे करें, रियल एस्टेट सेल्स में सक्सेस कैसे करें, सिंपल 5 स्टेप्स है सिर्फ ओनली। अगर आपने इन 5 स्टेप्स को फॉलो कर लिया तो आपको रियल एस्टेट बिजनेस में पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। इनमें नंबर 1 पे आता है लीड जनरेशन, कि लीड जनरेट कैसे करें, कस्टमर ने कैसे कहां से मिलेंगे। नंबर 2 पे आता है कि लीड जनरेट हो गई फिर कॉल कैसे करना है। फिर नंबर 3 पे आता है साइट विजिट करना, कि साइट विजिट कैसे कराना है। फिर नंबर 4 पे आता है फॉलो अप लेना, कस्टमर साइट विजिट करके चला गया उसका फॉलो अप लेना, और फिर है लास्ट डील को क्लोज करना। रियल एस्टेट बिजनेस में सक्सेस करने के लिए आपको सबसे पहले नंबर पे रियल एस्टेट बिजनेस को समझना होगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रियल एस्टेट बिजनेस, इसका स्कोप क्या है, ऑडियंस क्या है, कस्टमर्स की नीड क्या है, इन सारी चीजों को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। कंपनी के बारे में, क्योंकि आप इंडिविजुअल काम कर रहे हैं या किसी कंपनी के साथ में जुड़ रहे हैं, बिल्डर या किसी बिल्डर के साथ में जुड़ रहे हैं, तो उसके बारे में फुल नॉलेज होना आपको जरूरी है। रियल एस्टेट बिजनेस क्या है, इसमें कितने तरीके से इनकम अर्न होती है, ये कैसे रन होता है, ये सारी पूरी डिटेल में फुल जानकारी दूंगा आपको। तो नंबर 1 पे हमारा लीड जनरेशन। लीड जनरेशन का मतलब है कि कस्टमर कैसे कहां से लाना है, लीड जनरेट कैसे करें। जब भी हम रियल एस्टेट बिजनेस शुरू करते हैं तो ज्यादातर लोगों को क्वेश्चन ये होता है कि सर हमारे पास कस्टमर नहीं है, कस्टमर कैसे आएंगे, कहां से किसको हम बेचें, प्रॉपर्टी किसको सेल करें। ये जानना बहुत जरूरी है, स्पेसिफिक आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी, कौन से लोग हैं जिनको आपकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट होगा, या ऐसे कौन से लोगों को फाइंड आउट करें कि जिनका इंटरेस्ट, जो आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिस प्रॉपर्टी पे, जिस फ्लैट पे, उस चीज में उनका इंटरेस्ट हो। लीड जनरेशन वाली पूरी वीडियो है, डिटेल में है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें हम आपको अपना पावर हाउस बनाना बता देंगे, सिखा देंगे कि कैसे आप अपना पावर हाउस बना सकते हैं, कस्टमर बेस कैसे तैयार करना है। ये वीडियो, लीड जनरेशन वाली वीडियो देखने के बाद श्योरली मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको कस्टमर की कभी कभी कमी नहीं पड़ेगी। रियल एस्टेट बिजनेस हो या कोई और भी बिजनेस हो, उसमें आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए, अपने लिए कस्टमर ढूंढने की आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। इतने कस्टमर आएंगे, बिलीव मानिए कि आप उनको फॉलो अप करने के लिए, इतने ज्यादा कस्टमर आए तो वो पावर हाउस वाला वीडियो जरूर देखें, और स्टेप्स को भी मिस मत करिएगा, हो सके तो सीरियल भाई स्टेप्स देखिएगा। एक बार जब हमारे पास कस्टमर आ जाते हैं तो फिर हमें करनी होती है कस्टमर को कॉल, रेपो बिल्ड करना हो, रिलेशनशिप बिल्ड, कॉल पे उसे सारा कुछ ब्रीफ करना होता है, सब बताना होता है प्रॉपर्टी के बारे में, कहाँ पे है, क्या है, कैसा है, लोकेशन है, उसको मोटिवेट और इंस्पायर करना होता है कि वो साइट विजिट के लिए आ सके या फिर पर्सनल मीटिंग के लिए बुला सके। तो कॉलिंग किस तरीके से की जाती है, कौन कौन सी चीजें ध्यान रखना होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर हाउ टू मेक मिलियंस ऑन द फोन, आप फोन पे ही मिलियंस बना सकते हैं। क्या टेक्निक्स यूज करना है कि बंदा अगर टाल रहा हो तब भी हम उसे जल्दी से जल्द साइट विजिट पे बुला सकें, सब कुछ हम जानेंगे, डिटेल में जानेंगे कैसे अर्जेंसी क्रिएट करना है। और मैं आपको लाइव एग्जांपल भी दूंगा कि रियल एस्टेट में कैसे कॉलिंग की जाती है और कॉल पे कैसे अर्जेंसी क्रिएट करें कि जल्द से जल्द कस्टमर साइट विजिट कर ले और इसको बुक कर दे और आपको कैश पैसे दे दे। नेक्स्ट वीडियो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें समझ लीजिए आधा काम हो गया आपका, क्योंकि यहीं पे आपको डिसाइड हो जाएगा कि कस्टमर लेगा या नहीं लेगा। मीटिंग या विजिटिंग आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब कस्टमर आता है और जब आप उसे विजिट कराने जाएंगे तो यहाँ पे बहुत ध्यान रखना होता है कि विजिट से पहले, विजिट के बाद में, विजिट के दौरान कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि यहीं पे आपकी डील मेक होगी या ब्रेक होगी, क्या क्या आप कहाँ पे गलतियां करते हैं और उन गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं। ये वीडियो पूरी डिटेल में होगी और यहाँ पे ये वीडियो देखने के बाद आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहते हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अगर कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए हम तो मिलेनियर्स और मिलेनियर्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फॉलो अप। जब कस्टमर आपकी साइट विजिट कर लेता है या आपसे मीटिंग करके मिलके चला जाता है, तब फिर वो आपको बोलता है कि मैं अब इस दिन आऊंगा, इस दिन लूंगा, इस दिन प्लॉट बुक करूंगा, इस दिन पेमेंट दूंगा। अब यहीं पे हमारा काम शुरू होता है फॉलो अप का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉलो अप में ही मेन पैसा होता है। ध्यान से सुनिए फिर से, सारा पैसा फॉलो अप में ही है। अगर आपने कस्टमर को कायदे से फॉलो अप कर लिया तो आपके 100% इनकम फॉलो अप से ही आती है, और फॉलो अप के मैं आपको 100 वेज दूंगा जो कहीं कोई नहीं देता है। सब बोलते हैं फॉलो अप करो, लेकिन कोई नहीं बताता कैसे करना है कैसे नहीं। इस वीडियो में, फॉलो अप वाली वीडियो में डिटेल में मैं आपको डे बाय डे का दूंगा कि 1 डे पे आपको क्या करना है, 2nd डे क्या करना है, 3rd डे डेली क्या क्या बोलना है, कैसे बोलना है, मैसेज कैसे करना है, पूरा A to Z नॉलेज आपको, ठीक है, पूरी फुल डिटेल में वीडियो होने वाली है। ये बहुत जबरदस्त फॉलो अप, अगर जिसने सीख लिया वो लाइफ में सक्सेस हो गया। आपको 3 चीजों में सक्सेस होना होता है, सेलिंग में, क्लोजिंग में और फॉलो अप में। लेकिन अगर आपने एक भी चीज में आप बेस्ट हो गए, फॉलो अप में अगर आप बेस्ट हो गए, तो समझ लो आपने कमाल कर। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा क्लोजिंग। ये पॉइंट हमारा वो है जहाँ पे पैसा आने वाला है, फाइनल पॉइंट है, डील क्लोज करना, डील डन, यानी चेक में या कैश में आप पैसा लेके आते हैं। आपने कस्टमर को साइट विजिट करा दी, उसका फॉलो अप कर लिया, अब क्लोजिंग का टाइम आ गया। अब यहाँ पे सबसे मेन बात ध्यान रखनी है कि आपको क्लोजिंग कैसे करनी है, कब करनी है। अगर आप मास्टर तक क्लोजर होना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें आपको जबरदस्त क्लोजिंग टेक्निक्स मिलेंगी और मैं आपको इसमें 100+ क्लोजिंग टेक्निक्स दूंगा कि कस्टमर की सारी ऑब्जेक्शन को कैसे आप हैंडल करेंगे, कहां कहां पे कौन सी ऑब्जेक्शन आती हैं, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, एग्जैक्ट स्क्रिप्ट आपको दूंगा A to Z
कि कस्टमर से स्टार्टिंग में क्या बात करनी है, फिर बीच में कैसे कैसे आपको पेमेंट लेना है, कैसे चेक लेना है, कैसे कैश में लेना है, कैसे डील को क्लोज करना है, और सारे रूल सारे नियम ए टू जेड। क्लोजिंग क्या होती है कि आपने सारी मेहनत कर डाली, अब आपका रिजल्ट आने वाला है। क्लोजिंग का मतलब है कस्टमर आपसे बुकिंग करेगा या टोकन देगा या आपको पैसे देने वाला है। ये सारे स्टेप्स अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपको जगह जगह ढूंढना नहीं पड़ेगा कि फॉलो अप कैसे करना है, क्लोजिंग कैसे करना है, सेल्स कैसे करना है, पिच कैसे तैयार करना है, क्या आपको बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे कपड़े पहन के जाना है। ए टू जेड फुल डिटेल आपको इस प्ले लिस्ट में मिल जाएगी जो रियल एस्टेट वाली प्ले लिस्ट है। ये 5 स्टेप्स अगर आपने फॉलो कर लिए तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। कस्टमर को अपडेट कैसे दें, ये सबसे बेस्ट टेक्निक, कस्टमर के आते ही आपने प्लॉट कैसे बुक कर दें, टोकन कैसे लिया जाए, उससे पैसे कैसे लिए जाए और उससे कैसे अपना ब्रोकरेज लें। ब्रोकरेज आपका मरना नहीं चाहिए, ब्रोकरेज नहीं मरेगा आपको। मैं एग्जैक्ट टेक्निक, एग्जैक्ट सारी चीजें आपको इन सारी वीडियोस में देने, ठीक है। तो इन 5 स्टेप्स को ध्यान रखने के लीड कैसे जनरेट करना है, उसके बाद में आपको क्या करना है, कॉल करना है, कॉल करने के बाद कस्टमर को साइट विजिट के लिए बुलाना है, साइट विजिट के बाद फॉलो अप करना। और ध्यान रखें फॉलो अप स्टार्टिंग से ही होता है, फॉलो अप को जुड़ने के बाद में फॉलो अप आप शुरुआत से भी कर सकते हैं कस्टमर को, और उसके बाद में क्लोजिंग करना है, बस हो गया आपका काम। इन 5 स्टेप्स में अगर आप मास्टर हो गए तो आप किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट एक पॉइंट दूंगा कि कैसे आप अपना रिकरिंग बिजनेस जनरेट करें, ये प्रो टिप है, ये एक्स्ट्रा एक पॉइंट है। एक ही कस्टमर से बार बार कैसे पैसा अर्न करें, आप उससे कैसे ज्यादा बिजनेस ले सकते हैं, क्योंकि ये वो कस्टमर है जो आपको भविष्य में बहुत सारा पैसा दे सकता है।